feel the waves cut through me, hypnotized. Hello everyone, welcome to my channel. तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा गाउन। ये एक सेमी स्टिच्ड गाउन है जिसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक ब्यूटीफुल से गाउन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाउन हमारा कुछ इस तरीके का है, इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। ये वाला जो फैब्रिक है ये हमें स्लीव्स के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इसके सभी पार्ट्स को खोल के अलग कर लूंगी। मैंने सभी पीसेस को अलग कर दिया है और अब ये कुछ ऐसा लगेगा। तो ये है हमारा फ्रंट पीस और ये है कॉलर, ये है इसका बैक पीस और ये वाला पीस है हमारा स्लीव्स के लिए। अब मैं इसके पाइपिंग को भी रिमूव कर दूंगी क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। रिमूव करने के बाद हम पाइपिंग थ्रेड को रख लेंगे ताकि हम इससे एक दूसरा पाइपिंग बना सकें। पाइपिंग बनाने के लिए मैं ये गोल्डन फैब्रिक का इस्तेमाल करूंगी। ये है इसके लाइनिंग का फैब्रिक जो कि इसके साथ प्रोवाइडेड था। अब चलते हैं कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं बॉडीज़ की कटिंग करूंगी। मैंने इससे पहले कई बार बॉडीज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की हुई है तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। पर अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं। मैंने फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को कट कर लिया है। अब हम इन पीसेस को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और उन्हें भी कट कर लेंगे। तो मैंने इन्हें कट कर लिया है और साइड्स में मैंने थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है और स्टिच करते वक्त ये अक्सर इधर उधर खिसकता रहता है। तो आप अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखें। अब फ्रंट के मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से रखकर मैं इसे हर तरफ से स्टिच कर दूंगी। सेम तरीके से बैक पीसेस को भी स्टिच कर देंगे ताकि ये एक दूसरे से अटैच हो जाएं। स्टिच करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे, साथ ही नेक को भी कट कर लेंगे। नेक पे हम कॉलर लगाएंगे। तो आप चाहें तो बैक नेक को कट ना करें पर यहाँ पर मैं हाफ इंच डीप कट कर रही हूँ।
अब हम बैक पीस में डार्ट्स लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने दोनों डार्ट्स को ड्रॉ कर लिया है। तो डार्ट्स की लंबाई मैंने ली है 5 इंच और इन दोनों की दूरी है 6 इंच। अब मैं इन दोनों डार्ट्स को स्टिच कर लूँगी। अब हम फ्रंट पीसेस में पाइपिंग लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने पाइपिंग को रेडी कर लिया है। अब इन दोनों पीसेस में हम इसे अटैच कर देंगे। तो अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। पाइपिंग को मैंने फ्लोर लेंथ तक रखा है क्योंकि हमें इसे स्कर्ट में भी जोड़ना होगा। अब मैंने इन दोनों पीसेस को इस तरह से रखकर बीच में एक लंबे टैको वाली सिलाई लगा दी है, क्योंकि हम फ्रंट में जिप लगाने वाले हैं ताकि इसे पहनने में आसानी हो। तो मेरे पास है एक जिप जो कि है न्यूड कलर में, पर मुझे चाहिए था गोल्डन कलर में, जो कि मुझे मिला नहीं। तो मैंने लगाया थोड़ा सा दिमाग और इसे पेंट कर दिया गोल्डन कलर से। ऐसा करने से अगर जिप हमारा थोड़ा बहुत दिखेगा भी तो गोल्डन कलर होने की वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो पेंट करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम इसे टॉप में अटैच करेंगे। जिप को हम सीम अलाउंस के फैब्रिक में अटैच करेंगे, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। मैंने एक साइड में सिलाई लगा दी है, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अब दूसरे साइड में सिलाई लगाने के लिए हमें इसे सीम अलाउंस के फैब्रिक में ही स्टिच करना है। तो सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब बीच में जो हमने लंबे टाको वाली सिलाई लगाई थी उसे खोल देंगे। तो सिलाई खोलने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब जिप को इस तरह से खोल दें और दूसरी सिलाई को बिल्कुल जिपर टीथ के किनारे किनारे में लगाएं। अगर आप इनविजिबल जिपर लगाने का एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और अब ये कुछ ऐसा लगेगा। तो इस तरीके से अटैच करने से हमें एम्ब्रॉयडरी के ऊपर में कोई भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं फ्रंट और बैक दोनों पीसेस के शोल्डर्स को जॉइंट कर दूंगी। इसके बाद सीम अलाउंस के फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड करके एक ऊपर से टॉप स्टिच लगा दूंगी। तो फ्रंट में हम डार्ट्स नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, पर डार्ट्स लगानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना हमें अच्छी फिटिंग नहीं मिलेगी। तो उसके लिए डार्ट्स को नीचे लगाने की बजाय हम साइड्स में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डार्ट्स की मार्किंग कर ली है और अब हम इसे स्टिच कर देंगे। डार्ट्स लगाने के बाद अब हम कॉलर को अटैच करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जिप है उसे कट कर लेंगे। अब हम पूरे नेक राउंड को इस तरह से मेजर कर लेंगे क्योंकि हमें कॉलर बिल्कुल इसी के साइज का चाहिए। अब हम अपने कॉलर को भी मेजर कर लेंगे, तो इसका साइज भी बिल्कुल हमारे नेक राउंड के जितना ही है। तो सबसे पहले कॉलर का जो ये एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है ये हमारा बाहर रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके नीचे के हिस्से को इस तरह से एक बार फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा दें। इससे क्या होगा कि इसमें एक फिनिशिंग आ जाएगी और हमें बाद में इसे अच्छे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोनों साइड्स में वापस सिलाई लगा देंगे और इसे पलट देंगे। अब जो यहाँ का फैब्रिक अनइवन सा है इसे भी कट करके इसे बराबर कर लेंगे। अब मैं कॉलर को नेक पे अटैच कर दूंगी।
कॉलर को अटैच कर दिया है और साथ ही इसके किनारों में भी टॉप स्टिच लगा दी है। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा स्ट्रगल जॉर्जेट फैब्रिक के साथ काम करने का। ऑनेस्टली ये फैब्रिक बहुत फिसलती है। तो दोनों स्लीव्स को मैंने कट कर लिया है और अब हम इसे टॉप में अटैच करेंगे। इसके लिए स्लीव्स को आर्म होल के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए स्टिच कर देंगे। तो मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है और अब ये कुछ ऐसे लगेंगे। साइड्स में डार्ट्स लगाने की वजह से फ्रंट का पीस बैक पीस से थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो नीचे से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ रही हूँ ताकि मैं इसे बराबर कर सकूँ। फैब्रिक जोड़ने के बाद बैक पीस को इसके ऊपर रखकर उसी शेप में इसे कट कर लूंगी। अब साइड्स को अपने फिटिंग के अनुसार स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब मैं इसमें स्कर्ट जोड़ूंगी, तो उसके लिए वेस्ट को सबसे पहले मैं मेजर कर लूंगी। अब स्कर्ट में जो प्लीटिंग की हुई है मैं इसे खोल दूंगी और अपने वेस्ट के हिसाब से गैदर कर दूंगी। गैदर्स बनाने के बाद इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके सेंटर को मार्क कर लेंगे। अब बैक पीस के सेंटर को भी इस तरह से फोल्ड करके मार्क कर लेंगे। अब मैं इन दोनों सेंटर पॉइंट्स को साथ में मिलाकर पिन अप कर लूंगी। अब मैं स्कर्ट को टॉप के वेस्ट में अच्छे से मिलाते हुए इसे पिन अप कर लूंगी। अब फ्रंट पीस में एम्ब्रॉयडरी की हुई है और एक लेस का डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो उसे मैं दबा नहीं सकती, तो उसे मैं ऊपर कर रही हूँ और स्कर्ट को नीचे से अटैच कर रही हूँ। Thank you.
लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इन दोनों पाइपिंग्स को स्कर्ट के दोनों साइड्स में जोड़ देंगे। अब सेंटर के जिप को हम लेस तक ही रखेंगे ताकि ये कवर रहे, इसलिए एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। अब मैं इसके एंड में सिलाई लगा दूंगी ताकि हमारी जिप स्लाइड होके बाहर ना निकले। तो मैंने सिलाई लगा दी है और पाइपिंग को भी स्कर्ट में अटैच कर दिया है। अब हम स्कर्ट की लाइनिंग अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्कर्ट की लाइनिंग को कट कर लिया है। अब मैं इसके साइड्स में सिलाई लगा दूंगी और नीचे के हिस्से को भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। अब मैंने लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड करके इसके सेंटर को मार्क कर लिया है। अब जिप का जितना भी हिस्सा स्कर्ट पे आ रहा है उसे मैं मेजर कर लूंगी। अब जितना मेरा जिप का हिस्सा है उतना ही मैं लाइनिंग स्कर्ट के सेंटर को कट कर दूंगी। तो कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से किया है ताकि मैं इसे फोल्ड कर सकूं। अब मैं इसे सीधा कर लूंगी। इसके बाद जहां पर मैंने कट लगाया था उसे एक बार फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। अब लाइनिंग को इस तरह से रख के ओपन वाले हिस्से को जिप के अराउंड स्टिच कर दूंगी ताकि जिप हमारी ओपन हो सके। अब मैं लाइनिंग स्कर्ट को वेस्ट के सीम अलाउंस के फैब्रिक में अटैच कर दूंगी ताकि मुझे बाहर में एक और सिलाई लगाने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पर जो हमारा लेस वाला डिज़ाइन है इसमें गैदर्स को अच्छे से एडजस्ट करते हुए इसमें मैं हैंड स्टिच कर दूंगी। एंड फाइनली अब ये गाउन बिल्कुल रेडी है। तो स्टिच होने के बाद ये गाउन कुछ ऐसा लग रहा है। मुझे पर्सनली इसका लुक काफ़ी पसंद आया, पर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। Bye. Paint the sky.